खबर बांसूर से, रक्षाबंधन के पर्व पर बालिकाओं की ओर से पुलिस थाने में रक्षाबंधन मनाया गया। बांसूर में बालिकाओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर बांसूर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर पुलिस अधिकारी तथा जवानों को रक्षा सूत्र बांधे। इस दौरान बालिकाओं की ओर से पुलिस थाने पर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। वहीं बांसूर डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने सभी बालिकाओं को उपहार वितरित किए। इस दौरान बालिकाओं ने बताया कि पुलिस जवान सदा ही हमारे लिए तत्पर रहते हैं तथा अपने कार्य को बखूबी तरीके से निभाते हैं, जिससे कि हम घर परिवार के साथ मिलकर सुख शांति से त्यौहार मना सकें। लेकिन पुलिस जवान अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसी के चलते बालिकाओं ने पुलिस जवानों के साथ इस बार रक्षाबंधन पर मनाने का निर्णय लिया और बड़ी संख्या में बालिकाएं रक्षा सूत्र लेकर बांसूर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पर पहुंची और प्रत्येक जवान को रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की गई। इस दौरान बांसूर पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि बांसूर वासियों की तरफ से कुछ बच्चियां, कुछ मेरी बहनें आई और उन्होंने मुझे राखी बांधी और उनका जो पुलिस पर विश्वास है, उस विश्वास का ही नतीजा है कि आज हम जो यहाँ खड़े हुए। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा, जिस विश्वास के साथ उन बहनों ने और उन बच्चियों ने राखी बांधी, हम उस पर पूरे खड़े उतरेंगे और जब तक मैं हूँ तब तक बांसूर की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। और मैं आप सबके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि हम जो एक ध्येय वाक्य के साथ यहाँ आए थे कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, हम उसको लेकर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक रहेंगे।